नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए, बस बस बड़ा बो दे अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपका हमारे इस खास इंटरव्यू में। और आज हम जिस शख्सियत की इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो काफ़ी यंग हैं, बहुत ही युवा हैं और मंडी के द्रंग हलके से आते हैं। जी हाँ, द्रंग, जहाँ की सॉल्ट माइंस काफ़ी फेमस है और हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसे फिर से शुरू करने के लिए बजट में अलग से प्रावधान भी किया था। बहुत ही मशहूर चीज़ है, पुराने समय में भी लोग यहाँ से गुजरते थे और नमक लेकर जाते थे, तो वो जगह है द्रंग। और जो पिछले इलेक्शन थे उसके बारे में अगर बात करें तो इसलिए फेमस हुआ द्रंग क्योंकि कौल सिंह ठाकुर बहुत बड़ा नाम थे, एक पॉलिटिकल पहचान थे, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे और वो हार गए थे यहाँ पे, और जो भाजपा के कैंडिडेट थे जवाहर ठाकुर वो जीते थे। बहरहाल हम आज बात कर रहे हैं एक युवा की और उनका नाम है शुभम शर्मा। शुभम शर्मा ने युवा एकता मंडल की स्थापना की। जो ये एकता मंडल की स्थापना हुई और जिस इस प्रकार के जो एकता मंडल होते हैं, मैं आपको पहले बता दूं कि वो नेहरू युवा केंद्र से ऑथराइज्ड होते हैं। और अगर यूथ चाहें, अगर आप भी यूथ हैं और आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप भी चाहें तो आप अपने अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए तो आप नेहरू युवा केंद्र के थ्रू पंजीकरण करवा कर अपने इस तरीके की एक NGO खोल सकते हैं। तो युवा एकता मंडल द्रंग की स्थापना इन्होंने 26 जून 2016 को की और जैसे ही इन्होंने स्थापना की उसके बाद ये अच्छे अच्छे कार्यों में लग गए और बढ़िया बढ़िया काम की करने लगे और उसी के चलते इन्हें नंबर वन यूथ क्लब ऑफ मंडी का एक खिताब दिया गया DC ऋग्वेद ठाकुर के द्वारा। यंग माइंड का इनको भी खिताब मिल चुका है CM जयराम ठाकुर के द्वारा, जो कि फोकस हिमाचल एक पत्रिका है उसने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। और काफ़ी सारे समाज सेवी जैसे पवन भारती जी हैं और जो आज इनके साथ भी मौजूद हैं यहाँ पर, पवन भारती जी और कई सारी पंचायतों से इन्हें अवार्ड मिलते रहे हैं काफ़ी कम समय में। 2016 से लेकर 18 दो साल के अंतराल में इन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है अपने गांव में, अपनी पंचायत में, अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सबसे बड़ी चीज़ एक बुराड़ी मेला होता था द्रंग में, उसे 14 साल के बाद शुरू करने का श्रेय भी युवा एकता मंडल द्रंग को जाता है। और बाद अगर रिसेंट डेवलपमेंट्स की करें तो इन्हें एक यूथ फॉर डेवलपमेंट फाउंडेशन है उसके द्वारा अवार्ड दिया गया दिल्ली में विज्ञान भवन में, और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू खुद मौजूद थे। 4 कैटेगरीज़ में यूथ फॉर डेवलपमेंट ने ये अवार्ड रखे थे जिसमें से इंस्पिरेशनल यूथ का जो खिताब है वो शुभम शर्मा को दिया गया। शुभम शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं और द्रंग की ही वादियों में हम बैठे हैं, पीछे मेरे सॉल्ट माइन का ही पहाड़ियां आपको दिख रही हैं। और शुभम शर्मा से बाकी बात करेंगे कि कैसे उन्हें अब इंस्पिरेशनल यूथ का अवार्ड मिला, तो कहां से, पहला तो सवाल यही पूछूंगा मैं कि इंस्पिरेशन कहां से मिली इनको कि इस तरीके से समाज सेवा आपने करनी है। हाँ जी बताइए, कुछ जॉब वॉब करने का आजकल रहता है, वो हर किसी को रहता है और भी कई चीज़ें, लेकिन आपका समाज सेवा काम के साथ साथ समाज सेवा करने का जो एक आपके अंदर जो एक अलख जिसको कह सकते हैं जगह, वो कैसे, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आप? थैंक यू सर। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके पोलस्टार न्यूज़ चैनल का जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया है और अपने विचारों को आपके समक्ष रखने का सौभाग्य दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। और जैसे कि आपका प्रथम सवाल है कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है ऐसे कार्य को करने की, तो मैं बताना चाहता हूँ सर, जो एक युवा होता है वो देश के रीढ़ की हड्डी होता है और वो देश के निर्माता भी होता है। तो मुझे लगता था सर कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसका फ़ायदा सिर्फ मेरे को ही नहीं, सिर्फ मेरे परिवार को ही नहीं, मेरे रिश्तेदारों को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को होना चाहिए। और जब मैं अपने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लगा कि जब मैं इंटर्नशिप करने अपने बेंगलोर गया तो मुझे लगा कि देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्या बात है कि हमारे गांव में जब भी हम वापस आ रहे हैं तो कुछ कमी यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे मन ही मन विचार आए कि क्यों ना
इसके लिए सवाल उठाया जाए और ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है, इसके प्रति एक बैठ के क्यों ना विचार किया जाए। बस वहीं से मुझे खुद से ही इंस्पिरेशन मिली, कह सकते हैं ये भगवान की भी देन हो सकती है और लोगों का भी प्यार हो सकता है जी। तो आपको इस प्रकार से खुद से आपने इंस्पिरेशन ली कि क्यों ना एक ग्राउंड लेवल पर अपने गाँव में जाकर काम किया जाए। तो शुरुआत आपने कैसे की और ये आइडिया आपको कैसे आया कि नेहरू युवा केंद्र के थ्रू हमने रजिस्टर कराना है, आपके कौन इंस्पिरेशन, किसी ने बताया आपको कि इस तरीके से आप एक एनजीओ की शुरुआत कर सकते हैं गांव में? क्योंकि जो युवा इस वक्त देख रहे हैं वो भी अगर चाहें तो कैसे इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं अपने 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 क्षेत्रों में? सर, इंस्पिरेशन की बात आपने अभी करी तो मैं उस पर बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हमें अपने समाज के लिए कुछ कार्य करना है तो सर ज़रूरी नहीं है कि हम औरों को देख के ही वो कार्य करें। ज़रूरी है कि हमारे अंदर हमारी इच्छा क्या है उसको देख के हम वो कार्य करें। तो बात ऐसी हुई सर कि हमारे गांव में जब भी कोई दिवाली का त्यौहार आता था, होली का त्यौहार आता था, कुछ भी आता था, तो गांव वाले हर बार एक ही बात कहते थे कि क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। लेकिन क्या होता था, जब भी दिवाली आती थी, जब भी होली आती थी, वो धरा का धरा वैसा ही रह जाता था सवाल। लेकिन हमने एक बार कोशिश करी छोटी सी कि क्यों ना इस बार गांव में डीजे पार्टी की जाए। अच्छा। और जब हम डीजे पार्टी करने के लिए पैसे एकत्रित करने लगे, मैं अपने दो तीन साथियों के साथ जब पैसे एकत्रित करने गया तो जब हमने वो पूरा बजट अपना लगा दिया उस पर डीजे पार्टी पे, तो उसमें से जो पैसे बचे उसमें से फिर विचार हुआ हम युवाओं के बीच कि इन पैसों का क्या करना चाहिए। तो अनेकों विचार अपने युवा साथियों ने रखे, कुछ ने कहा कि किसी फाउंडेशन को दे देते हैं, कुछ ने कहा कि किसी अनाथालय को दे देते हैं, कुछ ने कहा कि कुछ और कर लेते हैं, कुछ ने कहा कि कुछ और कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि एक कार्य करते हैं, ऐसा करते हैं कि 3-4 दिनों के बाद सभी एक बार सोच के मिलते हैं कि क्या करना है इस पैसे का। तो वहाँ से मुझे पता चला, जब मैंने नेट पर पता किया कि ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है कि जो युवाओं को प्रोत्साहन देती है, तो मुझे लगा कि हाँ, युवा नेहरू केंद्र जो है वो हमारे मंडी में है, जो कि ऑथराइज्ड है हिमाचल सरकार से, हिमाचल सरकार के अधीन नेहरू युवा केंद्र आता है और नेहरू युवा केंद्र के अधीन हम युवा मंडल आते हैं। हिमाचल में बहुत सारे युवा मंडल हैं, मंडी में बहुत सारे युवा मंडल हैं, लेकिन हमने शुरुआत की तो हमने कुछ स्ट्रगल इस तरह से किया कि मंडी जिला में हमारा नंबर वन यूथ क्लब है। तो युवा, जैसे कि आप सवाल है आपका कि युवा किस तरह से इस कार्य को कर सकते हैं, तो युवा अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार नज़दीकी अपनी बनाता रहे, उनसे पूछता रहे कि किस तरह से ये कार्य हो सकता है, तो वो भी इस बारे में राय दे सकते हैं। और हमारी तरफ से ये है कि युवा साथ में बैठ के क्यों ना विचार करें कि क्या हमारे समाज में बदलाव आने चाहिए और उस बदलाव को लेकर उन्हें एक ऐसे ऐसे युवा मंडल बनाने चाहिए और अपने समाज और अपने क्षेत्र के लिए काम करने चाहिए। क्योंकि ऐसा बोलते भी है ना कि जो डेवलपमेंट है या जो किसी भी चीज़ जो विकास होता है वो ज़रूरी नहीं कि ऊपर से नीचे की तरफ हो। ऊपर से नीचे का मतलब कि संसद होगा, फिर विधानसभा, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, उसके बाद पंचायतें आ गई, उसके बाद लोग आ गए। उसका पैटर्न ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर भी हो सकता है। सही बात। अगर हम लोग ही आपस में मिलकर कई समस्याएं तो हम लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक कोई कचरे की समस्या है, आपके गाँव में भी है, अगर किसी दो फैमिलीज़ के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो आप खुद भी उसे मिल बैठ कर उसके सुलझा सकते हैं। आपको बार बार पुलिस स्टेशन जाने की, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी मामले ऐसे ही पड़े रहते हैं और आपको पता ही हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम मिलजुल कर भी कर सकते हैं, सहयोग से भी कर सकते हैं। सर, इस पे कुछ कहना चाहता हूँ कि पिछले कल जब हम विज्ञान भवन में थे तो प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे हमें, तो उन्होंने एक बात कही जो कि मैं लोगों के बीच भी, ना जाने उन्होंने लोगों ने प्रॉपर टीवी पे देखी है या नहीं देखी है, मैं लोगों के बीच यहाँ पे लाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो मौसम को देखकर परिवर्तन लाना चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि पूरा का पूरा मौसम ही बदल देते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात करी, और इंटरव्यू से पहले बारिश भी होने वाली थी तो मौसम तो वैसे ही बदल गया था इस इंटरव्यू से पहले भी। और अगला सवाल पूछते हैं आपसे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस वक्त अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में और एज ए युवा एकता मंडल आप और आपकी जो टीम है वो कर रही है, और कितने मेंबर्स हैं आप लोग टीम में, और किस किस तरीके के काम अभी तक कर चुके हैं और आगे का क्या विजन रहेगा आपका? सर, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है
वो सामाजिक उत्थान, सामाजिक कल्याण और जागरूकता है। क्या होता है कि सरकार स्कीमें तो लागू करती हैं, लेकिन उनको धरातल पर कौन लाएगा ये किसी को आज तक समझ नहीं आया। तो यही युवाओं की जिम्मेदारी है। पढ़ा लिखा नागरिक वही है जो अपने साथ साथ अपने समाज को भी बदले, वही पढ़ा लिखा नागरिक है मेरी सोच के हिसाब से। आप अभी तक क्या क्या आप काम कर रहे हैं सर? अभी तक सर हमने जो है अपने आपको बताना चाहता हूँ कि शुरुआत हमने जो करी थी सर वो स्वच्छता से करी थी। हमने क्या किया, जब शुरुआत की तो अपनी जितने भी गांव की बॉडियां थी, हमने शुरुआत वार्ड लेवल से करी थी। अब हम पंचायत स्तर पे काम कर रहे हैं। जितनी भी बॉडियां थी, जितने भी हमारे जो मंदिर हैं वो थे, या जितनी भी वर्षाशाली का थी, तो हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास जाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो हमारी भी जिम्मेवारी है वर्षाशाली का को साफ़ करना। अब मोदी जी ने तो कह दिया है कि स्वच्छ करेंगे भारत, लेकिन अगर भारत का नागरिक ही उसमें साथ नहीं देगा तो वो स्वच्छ नहीं हो सकता। तो ये सोच को लेकर सर हमने फिर क्या किया, स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना शुरू की। फिर हमें लगा कि हमें महिला सशक्तिकरण पे भी कुछ करना चाहिए। तो उस पर हमने क्या किया कि अपने गांव में जो एक महिला मंडल था जो कि ख़त्म ही हो चुका था, उसका पुनर्गठन किया। और फिर सर जो भी हमारे बीच बीच में कार्यक्रम बनते गए, जैसे हमने शहीद के नाम पे वॉलीबॉल ट्रॉफी करवाई, हमने जो है ब्लड डोनेशन कैंप करवाया, और जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि 14 वर्षों के बाद हमने द्रंग में जो हमारी पंचायत में एक मेला होता था, बहुत पुराना मेला, बुराड़ी का मेला जिसे कहते थे, उस मेले को वापस संचालन में हमने लाने की कोशिश करी है। और इस बार विधायक साहब ने वहाँ पर आकर ये घोषणा भी कर दी है कि जो मेला पहले एक छोटा सा गांव मनाता था, अब पूरी की पूरी उसे पंचायत मनाएगी। तो इस तरह से हम कार्य करते रहते हैं। आजकल हमारे देश में इतनी सारी इंस्पिरेशन है, आप उनको भी देख सकते हैं कि किस तरह से, उनके इंटरव्यूज़ को भी सुन सकते हैं कि किस तरह से जब वो अपने ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं, तो क्यों नहीं हम, क्यों ऐसे नशों में जाकर अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो समाज सेवा से जुड़ते हैं उनका एक पॉलिटिकल एम्बिशन होता है आगे चलकर चुनाव लड़ने का और चुनावों में अपना भाग्य आजमाने का, कुछ ऐसा है आपके जहन में अभी फ़िलहाल? नहीं, ऐसा हमारे दिमाग में अभी तक कुछ नहीं है। अभी जो मैं हूँ एक समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, और हमारा जो सामाजिक संगठन है वो भी गैर राजनीतिक है। जो भी हमें फंडिंग होती है वो हम खुद से करते हैं या तो लोगों की सहायता लेते हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है, मेरे ज़िंदगी का एक सिद्धांत भी है कि अगर किसी चीज़ को आपने साफ़ करना है तो पहले आपको उस कीचड़ में घुसना पड़ेगा, और फिर आपको उस कीचड़ को बाहर निकाल के उसमें नया पानी डालने की ज़रूरत होती है। अभी तक हमारा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो ज़रूर राजनीति में जाएंगे। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि राजनीति को समाज नीति में कैसे बदलें। बहुत बढ़िया। तो राजनीति को समाज नीति में कैसे बदल जाए, ये है युवा एक इंस्पिरेशन, और इन्हें इंस्पिरेशन अवार्ड भी अभी मिला है यूथ फॉर डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा। शुभम शर्मा द्रंग से हैं और युवा एकता मंडल की स्थापना इन्होंने की है। इनकी और ये और इनकी जो पूरी टीम है काफ़ी सारे अच्छे काम करती है, समाज सेवा से जुड़े काम करती है। और जो हमने आपको पूरी इंटरव्यू में बताया कि डिफरेंट डिफरेंट किस किस तरीके के इन्होंने काम यहाँ छेड़े और किस किस तरीके से इन्हें प्रोत्साहन मिला प्रशासन के द्वारा भी और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा भी, और साथ ही इन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिकल एम्बिशन के बारे में भी बताया हमें। खैर, जवाब आपका उसको मैं पॉलिटिकल ही कहूँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अभी उत्तर दे दिया उसका, और उसे हम हाँ ही मानेंगे। और अच्छी बात है अगर युवा जो हैं अच्छा काम करना चाहते हैं वो पॉलिटिक्स अगर ज्वाइन करें तो ये इससे बेहतर बात कोई हो नहीं सकती। ये भी एक बहुत बड़ा फैशन है कि आई हेट पॉलिटिक्स का। ये लोगों से हम पूछते हैं कि पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं तो सीधा वो जवाब देते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स को हेट करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही लोग हैं जो आपकी डेली लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। और कुछ युवा तो सर हमने ऐसे भी देखे हैं जब उनसे पूछा जाता है सवाल कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो वो सीधा कहते हैं कि यार मेरे से पॉलिटिक्स के क्वेश्चन मत पूछिए। ये वही मतलब कि ये युवाओं को भी समझना पड़ेगा, भैया अगर आपको नहीं पता तो पता करो, क्योंकि वो लोग संसद में बैठ के, विधानसभा में बैठ के कानून बनाते हैं, और वो कानून बनाते हैं कि आज जो सुबह आप कोई दाल लेने जाएंगे तो उसका रेट 140 रहेगा कि 160 रहेगा, ये वहीं पे तय होते हैं सब कुछ, और आपकी जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें वहीं पे तय होती हैं। तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए और
उन लोगों को इंस्पिरेशन बनाइए कि जो समाज को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो शुभम की तरह के युवा जो प्लेयर्स हों समाज के क्षेत्र से जुड़े हुए, या अन्य कोई भी आपकी इंस्पिरेशन हो जो जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देखिए, उनसे कुछ सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। और शुभम शर्मा को और हम इनकी पूरी टीम को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत विशेज और सब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इसी तरीके से आपका युवा जो ये एकता मंडल है ये काम करता रहे और आप भी फ्यूचर में समाज सेवा करते रहें। तो ये हमारी दुआ भी है आपके लिए और विशेज भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप यूट्यूब के ऊपर, और साथ ही फेसबुक पे पेज है हमारा, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अच्छे अच्छे कार्यक्रम हिमाचल से जुड़े हुए और खबरों के लिए। साथ ही फास्ट पे के चैनल नंबर 83 पे मंडी में आप हमारा चैनल व्यू कर सकते हैं, और हमीरपुर में चैनल नंबर 711 जो कि ओम नैरो केबल नेटवर्क पे संचालित होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। शुभम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए। चक दे।